हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं हेलो ये चलिए आज हम ब्रोकली की सब्जी बनाने जा रहे हैं और अब शुरू करते हैं अपना वीडियो, आप देखिएगा। नमस्कार, मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश। ये देखिए मैं ब्रोकली लाई हुई थी, मैं मार्केट गई थी थोक वाली मार्केट में, तो ढेर सारी सब्जी खरीद लाई हूँ। तो ये आज 3 दिन हो गया, उसके बाद की 3-4 दिन की है, तो फ्रिज में रखी थी। आज मैं इसको बना रही हूँ। देखिए इसके मैंने कुछ टुकड़े काट लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए कुछ टुकड़े काट लिए हैं। ये मेरा बॉयल पानी है, नमक पड़ा हुआ है, इसमें हम इसको गर्म करते हैं, थोड़ा उबाल लेते हैं। वो भी वैसे भी आप उबाल के रखें। तो ये सब्जी मेरी देखिए, ये अगर वो भी हम ढक देते हैं, इसलिए गर्म पानी डाल देते हैं। ये देखिए इसके 2 फायदे हैं, गोभी भी नरम हो जाएगी और इसके जो कोई इसमें जंग्स हो, गंदगी हो, वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो ये नमक डाल के मैं नरम होने तक के लिए उबालूंगी, ज्यादा नहीं, और इसको इस तरफ से पानी में ऐसे डाल के रख दूंगी, तो ये रखी रहेगी। ये देखिए ये मेरी मूली है, ये कम से कम 8 दिन की हो गई, मैंने इसे गिलास में पानी, फ्रिज में रखे से खराब हो जाती, मैंने पानी भरा और रख दिया। देखिए सारे पत्ते वैसे मूली। अब ऐसे ही आज हम गोभी रख देते हैं। ये मेरा तब तक हम देखिए मसाला तैयार करते हैं। ये मेरी कटोरी है, ये देखिए मैं देखिए 2 चम्मच धनिया लेती हूँ, 2 चम्मच धनिया है और 1/2 स्पून हल्दी है, ये बड़ा स्पून है मसाले का, ये देखिए तो 1/2 लिया हुआ है क्योंकि सब्जी कम है। और ये देखिए 1/2 स्पून ही इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी हमारे में पड़ेगी, इसलिए इसको 1/2 डालेंगे। अब इसको हम पानी डाल के थोड़ा घोल देते हैं, जब तक हमारी गोभी उबल रही है, मतलब थोड़ा सा बॉयल होएगी, ये देखिए बॉयल होने लगी है, तब तक ये मसाला मेरा मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मेरी गोभी जो है नरम हो गई, बस मुझे इतना ही कुक होना चाहिए। ये देखिए गैस को स्लो कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब इसको हम इस तरह ढक के रख देते हैं, यहाँ पे हम चढ़ा देते हैं देखिए अपना कुकर। ये मेरा कुकर चढ़ गया है, देखिए पानी निकल गया था, इसको हम पानी को पोंछ लेते हैं। गैस पे पानी गिर गया था, तो सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ पे खाना बनाते हैं कि यहाँ गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए देखिए ये मेरा कुकर चढ़ा हुआ, पानी जल जाए इसका, फिर इसमें मैं कड़ुआ तेल डालती हूँ। ये मेरी तब तक की सामग्री देखिए, ये देखिए ये मेरा प्याज है, टमाटर है, ये अदरक लहसुन मिर्चे का पेस्ट है, ये मेरा थोड़ा सा दही है और ये लहसुन मिर्चा और है, और ये बना बनाया पेस्ट है, ये हल्दी मिर्चा का जो मैंने बना बताया ना कि आपको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें देखिए 1 चम्मच हम तेल डाल देते हैं, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, 1 चम्मच ही डालेंगे। अब ये तेल गरम हो जाए, ये देखिए ये गोभी है, ये ब्रोकली मैंने इधर ऐसे इसको रख दिया है। अब ये ऐसे पानी में रखी रहेगी तो कल फिर बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। अब देखिए मेरा तेल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, जीरा डाल देते हैं। यहाँ देखिए किचन में पानी है, तो ये साड़ी में या तो एप्रिन वगैरह पहन ले, वरना यहाँ पे आप जब भी करें, ये जो रसोई का टॉप होता है, देखिए ये रसोई का टॉप जो होता है, इससे यहाँ पे साड़ी कुर्ता सलवार सब बहुत गंदा होता है, तो ये यहाँ पे एक डस्टर डाल दीजिए, ये ऐसे यहाँ तो टावेल, किचन टावेल कुछ भी लगा लीजिए, और या तो फिर एप्रिन रखिए। मेरा तेल गर्म हो गया, गैस में घी करती हूँ और डाल देती हूँ इसमें 1 स्पून जीरा। ये देखिए अब जीरा मेरा तड़कने लगा है,
अब डालते हैं इसमें, ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक है, लहसुन है, हरा मिर्च है, इसे हम जरा सा गर्म पानी डाल देंगे पेस्ट मिल जाएगा। अगर तेल काफी खराब हो जाता है तो ये स्मोकी फ्लेवर निकलता है, देखिए अगर कड़ुआ जो आपने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है वो गर्म हो गया है कायदे से, जैसा गर्म होना चाहिए तो ये स्मोकी फ्लेवर जो सब्जी में एक अलग तरह की खुशबू देता है। अब गैस को फिर हम तेज करते हैं, इतना मसाला मेरा बच गया है इसको हम उभर रखते हैं। अब डाल देते हैं इसमें देखिए ये वाला प्याज, इसी मसाला के साथ ही प्याज भून जाएगा, प्याज को अलग से ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। आप प्याज को अलग से ब्राउन तब करें जब प्याज कटा लहसुन डाले होते हैं। ये देखिए ये मैंने काट के लहसुन रखा हुआ था, ये देखिए ये मैंने लहसुन छील के और मिर्चे रखे थे, लेकिन मेरा सलसम का पेस्ट बचा हुआ रखा था तो मैंने उसी के इस्तेमाल कर लिया है, नहीं खराब हो गया उसका। ये देखिए ये अभी प्याज भूनते ये सब खा पाएगा, इसलिए अब तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। मेरा प्याज भून गया है, अब हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डाल चला के गैस को तेज कर देते हैं और इसी टाइम पे नमक डाल देते हैं। आप सभी जानते हो टमाटर को गलाने के लिए नमक जरूरी होता है। अब ये टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाएगा, टमाटर हाइब्रिड वाला है, जैसे इस समय देसी आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ ये हाइब्रिड ही आ गया है। अब हम डाल देंगे प्याज, टमाटर सारा भून गया है इसलिए हम इसमें डाल देते हैं मसाला। देखिए ये हल्दी, धनिया, मिर्चा मिक्स, थोड़ा पानी छुटा देते हैं कटोरी में जो मसाला लगा हुआ है ये इसी में, ये मसाला पक जाए। और देखिए इसी मसाले में थोड़ी सी हींग, ये दाने वाली हींग है, बाबा रामदेव की है, ये देखिए ये नहीं सॉरी ये कैश मसाले की हींग है, ये देखिए हींग डाल दीजिए, हींग का स्वाद सब्जी में बहुत अच्छा लगता है और ठंड में तो बहुत ही जरूरी है। अब ये मसाला भून जाए, इसके बाद देखिए ये मेरी ब्रोकली है, अब ये ऊपर मतलब काफी गल गई है, इसका पानी मैं निकाल देती हूँ छन्नी में रख के। अच्छा देखिए आप कहोगे कि आंटी दिखाई नहीं ये चीज, ये देखिए ये गोभी है ना, ये देखिए इसका पानी, तो इस पानी को आप छान लीजिए छन्नी से, आटा मारने में या सब्जी इसी सब्जी में डाल दीजिए, क्योंकि गोभी मैंने पहले धुली है, साफ किए, इसके बाद ही नमक के पानी से उबाला है, तो सब्जी में मैंने नमक डाल दिया इसलिए इस पानी को मैं आटा में काम करूंगी, इसमें डाल दूंगी तो नमक ज्यादा हो जाएगी, इस पानी में नमक है। अब देखिए थोड़ा सा ये मेरा ये कैच मसाला है, सब्जी मसाला, ये मैं थोड़ा डाल देती हूँ महक के लिए। वैसे एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं क्यों बहुत साल पहले शायद 2000 की आसपास की बात है, मैं लखनऊ गई तो ऐसे ही खबर आई कि गोभी आई हुई है, हरी हरी है और विदेशी गोभी है और बहुत अच्छी बनती है लेकिन बड़ी महंगी मिलती है। फिलहाल मैं एक दिन बाजार गई तो मैं ये खरीद के लाई गोभी, लेकिन ये गोभी मैंने जब बनाया बहुत विधि से बनाया, लौंग पीसी, तेज पत्ता डाला, बड़ी इलायची डाला, जीरा डाला, सब कुछ डाला, लेकिन मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं,
लेकिन अब इसको बड़े स्वाद से लोग खाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि सैलेड बहुत अच्छी बनती है, मैंने बना के देखी है, आज भी बनाएंगे, शाम को मैं आपको दिखाऊंगी। सब्जी से ज्यादा सैलेड अच्छी होती है और सैलेड फायदेमंद है, प्रोटीन युक्त भी है। अभी देखिए मेरी थोड़ी सी मटर रखी हुई, मैं ये मटर भी डाल देती हूँ इसी मसाले में, ये भी पक जाएगी। अभी मसाला भूनते भूनते मुझे काफी टाइम हो गया है, ये बहुत ही खुशबू उड़ रही है इससे, इसमें हींग वींग सब कुछ पड़ा हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा महक रहा। अब ये देखिए, ये मैं गरम मसाला डाल देती हूँ, ये देखिए, ये गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि देखिए मसाला ही मुझे पकाना है, क्योंकि आपकी हमारी गोभी तो पकी हुई। ये अब इस मसाले को थोड़ी देर और भून लेते हैं, वो जो गरम मसाला डाला है उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, सब्जी मसाला है उसे भी भून लेते हैं। और सब्जी में मसाले का ही खुशबू होती है, मसाले का ही स्वाद होता है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं तेल थोड़ा कम डालती हूँ तो मुझे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है। अब ये देखिए मसाला मेरा पकने लगा है, ये देखिए दिख रहा है ना, तेल छोड़ रहा है किनारे किनारे, जो थोड़ा बहुत तेल है वो छोड़ने लग गया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा दही मिक्स कर देते हैं, ये देखिए एक ही चम्मच डालते हैं, एक चम्मच धो के डालते हैं, ये मार्केट का दही है, मेरे घर का नहीं है, बहुत अच्छा दही है ये। अब इसको हम चला देंगे, चलाते हैं धीमी आंच पे, ग्रेवी कलर मसाले का इससे बदल जाता है, थोड़ा खोल जाए ये दही मिक्स हो जाए तब मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी इसमें ला रही, बिल्कुल मीट वूट की तुलना हम नहीं करेंगे, हम खाते ही नहीं तो हमें पता नहीं क्या है, कैसा स्वाद है, लेकिन लोग कहते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा ये मसाला दही सब पक गया है मेरा, आप देखिए दही जो है मैंने एक चम्मच डाला है, आप अपने जैसे मान लीजिए आप सब्जी ज्यादा बनाते हैं उस हिसाब से दही और मसाले ऐड करें। अब हम इसमें डालेंगे क्या, अब देखिए सब कुछ रेडी है, अब ये हम डालते हैं ब्रोकली। अब ब्रोकली थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको ये यहां से काट दिया, तो ये फूल फ्लावर हो गए, ये ऐसे डाल दिया, और इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों करके इसमें डाल देंगे। ये तो छोटा ही है मेरा, बिल्कुल 20 से, ये डंठल है, ये डंठल है, जो डंठल है उसको हम काट लेते हैं, ये ठीक है, ये देखिए डंठल भी स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक तो ज्यादातर डंठल ही होता है, आप खुद ही सोचिए कोई पेड़ है उसकी जड़ ज्यादा पौष्टिक है या पत्ते, ये देखिए तो ये तो पेड़ हुआ, नीचे की जड़ जो है पेड़ हुई, ये देखिए हम डाल दिया। अब इसको इसी में हम मिक्स करते हैं, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। ये देखिए मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे मटर और ब्रोकली, इसमें मैंने आलू नहीं डाला, आलू आप भी मत डालिए। मैं अकेले बनाती हूँ, जैसे बनते हैं आप लोग स्वीकार करते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग प्यार देते हो, आप लोग प्यार से देखते हो, अच्छी बात है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आप लोग इतना प्यार देते हो। और ऐसा मतलब मैं कुकिंग भी नहीं ऐसी जानती हूँ, और ना मेरा वीडियो एडिट हो पाता है, ना कोई दूसरे हेल्प करने वाला है, तो मैं अकेले बनाती हूँ, और वो भी बच्चे कहते हैं कि क्यों परेशान होती हूँ, लेकिन बताया ना मैंने कि मेरा जी उठता है अकेले बैठे, पूरा दिन सब बच्चे चले जाते हैं तो जी उठता रहता है, इसलिए थोड़ा आप लोगों के साथ बिजी रहती हूँ। देखिए कम से कम आधा घंटा निकल गया है, इसमें आधा घंटा निकल गया, फिर इसको हम अपलोड करेंगे, फिर आप लोगों के रिस्पॉन्स देखेंगे, तो कम से कम मेरा दिन का 12 घंटे इसी में खुशी बीत जाता है।
कि अरे आज इतना रिस्पांस आया, ये आया ये आया, तो वही देखते रह जाते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा और इसको भूनते हैं, फिर हम पानी डालते हैं। अब देखिए सब्जी मेरी भून गई है, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ये पानी इतना ही डालेंगे जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी आप अगर ज्यादा ग्रेवी चाहें तो ज्यादा पानी डालें, चटपटी सब्जी बनाना चाहें तो थोड़ा पानी डालें, क्योंकि आपकी सब्जी में सब कुछ उबला हुआ है, है ना। एक मटर कच्ची थी, वो भी तो मेन आइटम तो पका हुआ है। इसको किसी को कूट भी कर दो एक पीस। मैं इसमें प्रेशर, देखिए इसमें मैं प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगा देते हैं, एक सीटी में कुक हो जाएगा ये। अब ये देखिए एक दूसरी चीज है, ये देखिए ये टमाटर है, है? आज लाइट आ जा रही है। ये देखिए ये टमाटर है, इसका बीज का पोर्शन जो है ये देसी वाला टमाटर है, ये मैंने इसको खाली कर लिया है। ये देखिए इसको खाली कर लिया है, और ये जो है ये बीज, ये जो ये चटनी में चला जाएगा, ये मैं काट के रख लेती हूँ। अभी सब्जी के ऊपर जब खाना दिया जाएगा तो उसके ऊपर से डालने के लिए देखिए पतले पतले टमाटर के लच्छे तैयार कर लीजिए। ये वो जी अगर ये चीज हम डाल देंगे, ये डाल देंगे तो पानी जैसा आ जाता है, तो इसीलिए हम ये गैस धीमी करते हैं, मेरी सब्जी पक गई। पानी डाल भूल जाए, ये देखिए फिर ये मैंने टमाटर के पतले पतले लच्छे काटे हैं, और इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी मिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये मिक्स है, ये सब्जी की डेकोरेशन के काम आएगा। देखिए सब्जी मेरी बन गई, मैं इधर रख देती हूँ, जब तक खुलती खुलती है तब तक मैं आपको ये चीज दिखाती हूँ। ये देखिए कल हम लोगों ने बाटी बनाई थी, तो ये बाटी के अंदर का जो सत्तू भरा जाता है ये थोड़ा बच गया था। ये देखिए बाटी में जो भरा जाता है अंदर, ये बच गया था, तो मैंने ये उठा के रख दिया गया था पूरा। ये देखिए ये भी रख दिया गया था, और बैगन का चोखा भी रखा गया था, तो मैं इसका पराठा बनाऊंगी। अब आप देखिएगा, अरविंद अगर आटा हो तो इसका पराठा बनाऊंगा।